हाय गाइस, मैं हूँ जलेश मस्कोले। हाँ भाई, आज हम लोग कंकाली मंदिर घूमने के लिए आए हुए हैं, और ये मंदिर सिलीपचरहाई के क्या नाम से जाने जाते हैं। ये हाप नदी क्या के किनारे स्थित कहाँ हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस कंकाली मंदिर में क्या क्या मूर्तियाँ हैं। बेसिक जानकारी है, कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये बुद्ध जी का मूर्ति, जो कि पुराने ज़माने में खुदाई के दौरान निकाला गया था, छोटे से मंदिर में व्यवस्थित है। और दूसरी मूर्ति माँ काली का इस मंदिर में है, जिस समय खुदाई हुए थे उस समय ये निकाले गए थे, और इस मंदिर में व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। तो हाँ आइए हो है ना, चपरासी में देखते खोल हैं, दी। क्योंकि ध्यान से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये माँ काली का मंदिर, माँ काली का मूर्ति, और बहुत सारे ऐसी मूर्तियाँ हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। पर कुछ कुछ मूर्तियों को व्यू के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और यहाँ का मकान, जो कि खुदाई के दौरान चला निकला अरे है, उसको आप लोगों को दिखाऊंगा। अरे ये देख पा रहे हैं आप लोग, उस समय किस तरह से मकान बनाया जाता था। बड़े बड़े ईंटों और पत्थरों को जोड़ करके ये मकान बनाए हुए हैं पुराने जमाने में, जान पुरातत्व। और ये कृत्रिम हिमकुंड है, जो कि अभी मानव निर्मित है। ये जो उस समय के आदि मानव के द्वारा या आदमियों के द्वारा जो बनाए गए मकान, जो टाइल्स भी लगे हुए हैं। और आइए जानते हैं, हनुमान जी का मंदिर सामने है, छोटे से मंदिर में हनुमान जी का मूर्ति। बोल हनुमान जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल बजरंग बली की जय। ये देखिए हनुमान जी का मूर्ति, जिसे केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, पवन सुत हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं, लंगूर के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, पवन पुत्र हनुमान। बेटा तो इस तरह के बहुत सारे मूर्ति हैं दोस्तों, जो कि म्यूजियम के अंदर मंत्रालय में रखी हुई हैं। और कुछ मूर्तियाँ मंदिर में भी, मंदिर में बना करके स्थित रखी हुई हैं। तो आप लोगों को ये मूर्ति दिखा पा रहा हूँ। और ये पुराने ज़माने में जो खुदाई के दौरान पाए गए मूर्तियों को यहाँ पर व्यवस्थित करके रखे हुए हैं, उसका चित्र आप लोग देख पा रहे हैं। और ये मकान उस समय का, बड़े बड़े पत्थरों को चुन करके बनाए गए थे। और ये मंत्रालय, जो कि मंत्रालय में सभी मूर्तियाँ व्यवस्थित ढंग से रखी हुई ये हैं, मूर्ति देखो कचरा है जो ना। खुदाई के दौरान निकला था, पाया गया था। उनको यहाँ पर मंत्रालय के अंदर सुरक्षित ढंग से रखी हुई हैं। खुदाई ये के कचरा दौरान है जिसका मूर्ति। कई किसी का सिर कट गया, तो किसी का पैर हाथ टूट गया पुरातत्व है खुदाई के पुराने काल दौरान, का तो मूर्ति। उस समय भूकंप जो आया होगा, उस समय का ये मूर्तियां व्यवस्थित ढंग से रखे होंगे, उसको पूरे भूकंप में टूट गए हैं। और ये देख पा रहे हैं आप लोग किस तरह से उस समय कलाकारियां या फिर कारीगर थे, जो कि बहुत अच्छे ढंग से पत्थरों को चुन करके ये आकार दिए हैं मूर्ति का। ये देख पा रहे हैं आप लोग, उस समय उस जमाने में भी बहुत सारे कलाकारियाँ थे, जो कि बहुत अच्छे ढंग से मूर्तियों को सुंदर रूप या अच्छे से बनाते थे। उसका आप लोग मूर्तियाँ देख पा रहे हैं उस ज़माने का। तो बहुत सारे मूर्तियाँ रायपुर में भी ऐसे सुनने को आया है, और बहुत सारे मूर्तियाँ खैरागढ़ में स्थित हैं, मतलब ले जाए गए थे उस समय। तो कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, उसको आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। और ये आदि मानव, उस समय आदि मानव किस तरह से जीवन यापन करते थे पुरातात्विक काल में,
आदि मानव के समय में उस तरह का जीवन शैली, और ये जीवाश्म जो कि छोटे छोटे हैं, बहुत सारे यहाँ पर जीवाश्म रखाए हुए हैं। इस पंथ जीवाश्म जो रखाए हुए हैं बहुत दिनों से, इसको व्यवस्थित ढंग से कांच में बंद करके रखे हुए हैं। ये खुदाई के दौरान जो चित्र फोटो लिए गए थे उसका, और ये जीवाश्म की ये फोटो जो कि एक फ्रेम में रखे हुए हैं व्यवस्थित ढंग से लाइन वाइज। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइन वाइज सभी की पुराने जमाने का शहर चित्र को व्यवस्थित ढंग से इस म्यूजियम के अंदर, मंत्रालय के अंदर रखे हुए हैं। क्या क्या स्टार्ट से लेकर के अंतिम तक के इसमें विवरण इस चार्ट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चांदी सब सोना यह निकले नहीं, तांबा उम्बा चांदी का मिला हुआ है, सोना खर्च पतला पतला हवा दिन मन है। आप लोग देख पा रहे हैं पत्ता का शोक देख सकते हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वैश्विक जानकारी आप लोग दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी, सबसे यहाँ पर देखिए खंजर रखाया हुआ है, ये खुदाई में सब निकले हैं जानवरों के इस्तेमाल के लिए, लड़ाइयों के लिए जानवरों को मारने। आप लोग देख सकते हैं कि खुदाई में पचरा ही जो कि अपराधियों को उसको कैद करके रखे जाते थे, उसका ये जंजीर भी रखा हुआ है, मिला हुआ है। और ये बहुत सारे खिलौने आप लोग देख पा रहे हैं जमाने में, ये अब बहुत सारे मूर्ति लग गए हैं ना। आप लोगों को दिखा नहीं पा, सॉरी इसके लिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। सर रिकॉर्ड होते मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझे खबर खींच मम्मी शेर आत्मा देखो।